मशीन चला। आई ऑप्टेड फॉर लेजर। तो ये मेरा फोर्थ सेशन था आज का। पहले आपका शेव कर देते हैं थोड़ा सा, फिर जल लगाते हैं और वो टक 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 लेजर डालते हैं। तो प्लान है बड़ी सा टेन साइज तक में। तो वो वैसे भी बंद है, वैसे भी PS4 का टाइम खत्म होने वाला है। रुनी ओ भाई साहब, सर इसको देख लिया शायद कुत्ता ने। रुनी क्या हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड आफ्टरनून हो गई है एंड आज मॉर्निंग इतनी वियर्ड हुई है ना, मैं बता रही हूँ। कल रात को मैं थोड़ा सा लेट सोई थी व्लॉग एडिट करके, एंड उसके बाद सुबह सुबह 7 बजे या 6:30 समथिंग अराउंड मम्मा ने बोला ब्रूनो बाहर बैठा है, उसको घुमाया। तो मैं ठंड भरी ठंड में उसको बाहर घुमाने गई। ऐसे करते करते 8 बज गए। फिर मैं अपने व्लॉग अपलोड पर डाला, फिर उसके बाद थंबनेल बनाया, फिर मैं 10 बजे तक उठी रही, फिर मैंने अपलोड कर पब्लिश करके फिर मैं सो गई वापस, मुझे नहीं पता क्यों। एंड अभी भी मेरे को इतनी नींद आ रही है। अब तो 2:30 बज गया, मेरे को हो गया 1.5-2 घंटा हो गया उठे हुए, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँगा। इस आज का दिन मेरा स्केड्यूल ख़राब हो गया नहाने धोने का। मैं तब रिग्रेट कर दी गई कि आज शिट, आज मैं नहाना धोना नहीं कर पाऊँगी टाइम पर। आज के प्लान्स कैंसिल हो गए एज यूजल। तो कुछ मैं आपसे नहीं बताऊंगी प्लान्स का। मुझे लग रहा है कि आज जब से मैं प्लान्स बताने लगी हूँ ना, वो मेरी बात से जिंक्स हो जाते हैं और फिर वो नहीं हो पाते। बट ठीक है, हर्ष तो आज भाई मूवी देखने जा रहा है एनिमल, मेरे को भी देखने। मैंने बहुत रिव्यू सुन लिए उसके बारे में, मैं कल देख रही थी, बट शोज ऑलमोस्ट खोल है तो मैं नेक्स्ट वीक का ही लूँगी। एंड शाम में मेरी अपॉइंटमेंट है एक्ने और इन सब की, क्योंकि 1.5 महीना हो गया है। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, उन्हें कहा था 1 महीने बाद दिखा देना, तो मैंने आज अपॉइंटमेंट लिया 6:30 किया है। बहुत लेट अपॉइंटमेंट लिया है, बट यार शाम में जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके 7 बजे की मूवी है तो मैं किसके साथ जाऊँगा, तो अकेले जाओ साहिल वाहिल को उठा लूँ या मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता। समझ नहीं आ रहा, पूजा नहीं कर पाऊँगी मैं, तिलक नहीं लगा पाऊँगी गाइस। कोई नहीं, चलो खाना डाल के लाते हैं। मम्मी ने मेरी उधर जो भी है वो दाल बनाई है। 2000 years later. Hi guys, शाम हो गई है। मैं फिर से वही स्वेटशर्ट पहनी है, बट डोंट कम एट मी, ठीक है? मैं वही स्वेटशर्ट पहनूंगी जो मेरा मन करेगा। बैलेंस करने दो कैमरा को, जैसे मेरी लाइफ। जस्ट किडिंग, ये बैलेंस नहीं होगा। एंड मैं रेस्ट भी नहीं ले सकती क्योंकि अब नया फ़ोन आ गया, पहले तो ठीक था। अच्छा गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक करा लेंगे या जो भी है। बट यस गाइस, दैट्स व्हाट इज़ द प्लान है, व्हाट इज़ द प्लान गाइस। तो प्लान ये है कि हर्ष भाई साहब की मूवी है 7 बजे, तो वो ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं चल सकता क्योंकि 6:30 की अपॉइंटमेंट ले रखी है। ये शायद मैंने बता दिया या मेरे को नहीं पता। एंड फिर मेरे पास ऑप्शन बचा, या तो मैं गाड़ी लेके जाऊँ, बट इस टाइम रश आवर होता है, तो मुझे लगा कि यार मैं इतनी भी परफेक्ट नहीं हो गई हूँ। फिर प्रॉब्लम यह है कि ब्रूनो घर पर रह रहेगा अकेला क्योंकि मम्मा पापा को भी वॉक करने जाना है। तो ये हसल बसल में चल रहा था, फिर मैंने सोचा एक्टिवा पे चली जाती हूँ, साहिल या किसी के साथ चली जाऊंगी, वो लोग फ्री होंगे। तो साहिल भी बिजी था, बट अब मैंने उसे पूछा वो फ्री हुआ है, तो वो और विशाल लेने आ रहे हैं मेरे को घर पे। मैं और ब्रूनो जर मम्मा पापा वॉक पे चले जाएंगे, तो मम्मा पापा का भी काम हो जाएगा, ब्रूनो मेरे साथ भी चलेगा, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी उसकी भी। तो ये प्लान है। मम्मी पापा ब्रूनो भी बाहर बैठे हैं, मुझे भी पोनी बनानी है और थोड़ा सा वो क्रीम लगा के जाऊंगी क्योंकि डल हो रही है मेरी स्किन। आज मैं ढंग से पता नहीं, आज रूटीन नहीं अच्छा बना तो अच्छे स्किन में नहीं, अच्छा फील भी नहीं कर रही गाइस। मैं ऐसा समझ रही, ऐसे वाला फील नहीं कर रही। बट यस, लेट्स गो उन लोगों का। अभी मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन के लिए वैसे उसका कॉल नहीं है। मैं उसको कहा था यार बता दियो अगर चलेगा तो, या निकलते हुए कॉल कर लियो, उसका एक भी कॉल नहीं आया अभी तक। जो अगर लकली टाइम से पहले उसका कॉल आ जाए बस, कि हम ये अपॉइंटमेंट ख़त्म कर ले क्योंकि कॉलेज जाना है उसके बाद, तो फिर घर पर ही रहना। तो थोड़ा कॉलेज में थोड़ा इसका सुधार वैसे एकदम में नहीं हो सकता, बट कोई नहीं, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेंगे। मैं स्किन केयर नहीं कर रही और गंद खा रही हूँ, तो ये सब जायज़ है। मेरे दोस्त यार निकलते रहते हैं, थोड़े ये सांप वाले दोस्त हैं, मैं चाहती नहीं हुई है, बट ये मेरी लाइफ में आ ही जाता है गाइस, समझ रहे हो? वो वाले दोस्त है ये। कॉन्फर्मेशन आते ही हम वेट करेंगे उनका, वो आएंगे हमें पिकअप करेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम वहाँ बहुत दिनों बाद मैं विशाल से भी मिलूंगी, बट हम बहुत दिनों बाद 15 भी जाएंगे ऐसा कुछ है। या अभी मैं गई थी पेपर के टाइम पे, छोड़ो, बट बहुत दिन हो गए उसको भी। यस, और हम मजे करेंगे, फन करेंगे। छोपरीज आर हियर, गाने बंद कर दे फटाफट। क्या ये पीस आउट क्या है, वो इतना लेट आया ना, क्या कर रहा है ब्रूनो, क्या कर रहा है ब्रूनो? तो आराम से बैठा, ब्रूनो डर रहा है इन लोगों से।
कहा जाएंगे ब्रूनो को? इतनी लेट आया ना, मैं बता रही हूँ, मम्मी ने दो बारी पूछ लिया कब जाना है, 6:30 हो गए, 6:30 हो गए। मैंने कहा 6:30 तो अभी ना होए बकवास। अभी और 6:30 की अपॉइंटमेंट है ना, तो 6 तो बज ही गए थे, देख लो 6:25 हो रहा है, कहाँ जाएगा ये? मिट्टी में तेरे को वहाँ पहुँचा, फेंक दूंगा मैं तेरे को, फेंक। ओए होए होए होए, इसको देख क्या मिल गया यहाँ पर, गंद गाड़ी में तेरा, ए कम बोल ले, तो गंद गाड़ी में कुछ मिल गया, कोई गंद मिल गया उसको, इसमें थोड़ी आई है, अच्छा दिख रहा है वो हमें कितनी अच्छी। ये है सरकारी गाड़ी, सरकारी गाड़ी फालतू की, छिड़ो क्यों क्या हो गया साहिल, ऐसा क्या बोल रहा है, काटा 400 में बैठा है, ठक नहीं है, गेट मारता है वो, तो यार देख मार सकता है, वैसे भी बंद है, वैसे भी PS4 का टाइम खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। रीजन से थी, ज्यादा मत बोल, मैं रीजन खोलना नहीं चाहता यहाँ पे, किस रीजन से थी मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे तो इसकी गाड़ी के इतने रीजन बता दूं मैं जो खटा रहा है, शोकर चल रही है, वो तो मैं बता रही हूँ, मैं राम 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 करके बैठती हूँ इसकी गाड़ी में, वरना एक दिन ऐसा टच वुड कभी ना आए, कभी ना आए ऐसा टाइम भाई, इसको गाड़ी इसके घर वालों को अर्जी डाली, या साहिल पागल है क्या? रुना उसको देख, क्या हो गया, कोमल कल आएगी क्या? है कल, कल कुछ सामान लेना 14 में, हमने तेरे साथ ही आए थे जब नहीं, कल मैं जा रही हूँ, जब भी तेरे साथ ही आए थे, कल क्या सामान जब 14 में पहले आए थे भाई के साथ, के बाद भाई बंगलो के बाद, क्या इसके दिमाग खराब है, इसमें अकल नहीं है ना, गाना चुप रहा था, पागल है तेरे, वो अपनी बातें कर रही है, अपनी फालतू की बातें कर, अपनी फालतू बातें कर रही है, गलत बोला मैंने, ये तो कहा जब तेरा ट्रेन, मेरे को नहीं याद, मेरे बेचारा सो गया, तुम्हारी बकवासों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ, तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल अपनी ना बकवास कर रहा है, मुझे तो याद ही नहीं है क्या बात करे बड़ा, और तेरे को पता है फिर 2 मिनट मेरे ब्लॉग पे वेस्ट कराएगा ताकि मैं सोचूं कि अच्छा क्या था, और फिर वो ये वापस कंटिन्यू करे, और फिर मैं काटूं इसकी बात, और फिर हमारा आगे लेट करा दिया तूने, मैंने लेट करा दिया, देख ले मैंने तो 5:15 का ही मार रहा हूँ, 5:15 पहली बात तो, क्यों किसने बोला फ्रेश होना है, किसने बोला, तूने, मैंने बोला फ्रेश होना है, मेरे को बोल दिया तेरे को, मैंने कहा 6:30 का है, 6:30 मैंने कहा 6:30 का है, 5:45 निकल लियो, खुद ही बातें बना रहा है, अपना स्केड्यूल मत बना, अपना स्केड्यूल मत बना, अपना स्केड्यूल मत बना, कह रहा है लोग पे बेइज्जती करना चाह रहा है, हो नहीं पा रही, बेइज्जती क्या है, क्या ये तुम फ्रेश नहीं होते, अगली होती है 40 मिनट 50 मिनट तो क्या होगा, वो तो हमें भी पता है कौन होता है 1 घंटा बैठ के, हम तो नहीं होते, 1 घंटा बाद आई भाई, अभी क्यों फ्रेश होने जा रहा हूं, और 5 बार दिन में 5 बार जाते हैं, 5 घंटे तो यही बर्बाद कर रहा है दिन के, या तो हमारी बेइज्जती पे तो ना ही आए, इसके साथ फिर भी घूम रहे हमारे साथ, रुनी नीचे मत बैठ, खड़ो इधर से सर, इसको इनको ड्यूटी दे के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, वेट कर मैं, ठीक इसको मिलना है, मत कर और थप्पड़ वप्पड़ मत मारने का दिखाइयो उसको, मैंने नहीं सिखाया ना उसको सिखाना, नहीं प्यार से बोला है, प्यार से कहेगा, पता नहीं अभी तुमने मेरा नाम लिया, बस मेरा उनमें फेस होकर है, अब वो देखेंगे चेक करेंगे, मशीनें चला रही है, सुनिया जो बेश मिला फ्री होते हैं, मैं बाहर जाऊँगी, क्यों भी मस्त घूम रहा है, ठीक है अब आवाज़ आएगी तो आई मीट यू। विद अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊंगी, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप करा था, बट यस आई हैव गॉन फॉर लेजर, ये मेरा फर्स्ट सेशन था, मैंने किसी को नहीं बताया, बट आई एम टेलिंग यू नाउ, क्योंकि मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करके देखना था कि कैसा कैसा होता है, ताकि मैं आपको बता सकूँ, बट यस ये लोग गाड़ी में बैठे वहाँ पर है, ये लोग गाड़ी में बैठे, तो मैं आपको बताऊँगी घर जाके आराम से तसल्ली से कैसा होता है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा मेरे को ना, वो सुइया चुभी हुई है, पिछली बार तो बहुत दर्द हो रहा था, बट मैं ना कंफर्टेबल नहीं थी बताने में, मेरे को पहले ना एक्सपीरियंस लेना था, मेरे को ऐसे ही जनरली बाहर नहीं फेंकनी थी इन्फॉर्मेशन की, अच्छा लेजर करा रही हूँ, ये है वो है, आप भी करा लो, ये सब नहीं था, तो इसलिए
गाइस हो गया, हम ब्रूनी से मिले मजे ले रहा है अब विंडो के बट यस अब हम जा रहे हैं सिक्किम क्योंकि विशाल भाई साहब का टंकी खाली खाली रहती है जबकि इसने शोमा रोल खा लिया है फिर भी इसकी टंकी भी नहीं भरती तो हम इसकी टंकी भरने के लिए जा रहे हैं। अच्छा तुमने तो जैसे खाना नहीं है। साहिल हमने मना करा था ना टंकी किसकी खाली थी टंकी किसकी खाली थी ये बता विशाल ने कब भूख लग रही है इसको देखो मजेदार मजेदार प्रॉपर वो अफगानी मोमोज अच्छे हैं मतलब मैं तेरे लिए हाँ, देख लो किसको क्या खाना है मैं तेरे लिए रेकमेंड करी तूने कहा चिल्ली पर देते हो अब एक दो बाइट भी लेंगे तो चिल्ली पटाटा कौन खाएगा इसको दे ये अभी जब ओ भाई साहब सर इसको देख लिया शायद कुत्ता ने ब्रुनी क्या तूने बाहर निकाल रखी है मंडी क्या बात है शेर तू भी भागने लग गया अच्छी थी फाइट हो रही है गाइस उन्हीं को देख के भौंका ये शेर हो गया तू तो बहुत बड़ा है खा जाएंगे तेरे को चार महीने का है तू चार महीने का हाँ चलो अब पेट पूजा गाइस काम तो हो गया काम दूजा नहीं पहले पेट पूजा होती थी बट अब पेट पूजा बात है थैंक्स आई नो कह रहा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है नाइस मेरी चॉइस है खा ले ऐश का ब्रोनो को हम नमकीन खिला रहे चप्पड़ चप्पड़ तो उधर होगी क्यों बीच में रखवाना तो यदि खा रहा है चल तू लेटा तुम करो एडजस्ट इसको देख कितना एक्टिव हो गया है खाना देखते ही बेटा खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है तो शाल गए गाइस अभी बाहर इसको देखो इसको थोड़े बहुत पनीर के पीस खिलाए मैंने थोड़े से क्योंकि उसमें थे ही थोड़े से मैंने भी एक दो पीस खाया कहता विशाल कहता उसमें टोटल छह आते ना साहिल कहता मैंने तीन चार खा लिए हमने कहा हमने दो दो खा लिए कहते मैं किसी के कसम खा लूंगा तीन चार खा लिए मैंने उसकी उसका वो दिमाग खराब है मस्जिद ये देख बा बता खुश तो था ना ये साहिल बाहर आके झूठ बोल रहा है तू अभी तो मुझे कह रहा था कि ये परेशान हो गया था मुंह तो बना ये डल सा होगा था बिल्कुल सोने को ये सोने को हो रहा है क्योंकि ये सो रहा था ये इसको नींद आ जाती कभी बट मेरे को तो खुश लग रहा है ब्रुनी अब गोइंग बैक होम काटना भौंक रहा था मैं तो बाहर इसकी पहली बार भौंक सुनी है क्या पता काट दे काट रहा है तेरे को तो कटवाएंगे ही कटवाएंगे हम किसी को काटे ना काटे तेरे को जरूर काटना चाहिए छेड़ करेगा तो काट गई क्या देता है आठ पीस ही देता है वो नहीं भाई छह पीस देता है पूछ क्या है भाई पूछ ले जाओ और उधर कैसी बातें कर रहा है हमें बता तुम लड़ रहे हो हमें तो हमेशा छह पीस मिले आठ दिया उसने पूछ ले फोन करके पूछ ले नहीं छोड़ हाय गाइस बैक होम एंड अब मैं आपसे तसल्ली से बात करती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया बट मैं आई ऑप्टेड फॉर लेजर मतलब अपर लिप्स एंड साइड बर्न्स ये मेरे ज्यादा नहीं है वैसे बस क्लीनलीनेस के लिए कि बस फेस बिल्कुल क्लीन लगे तो मैंने इसलिए कराया है क्योंकि इसके साथ ना एक कॉम्बो लेना था अपर लिप्स के साथ तो मुझे लगा अपर लिप्स करा ही रहा है तो इससे बेटर है कि एक कॉम्बो ले लेता है तो पूरा हो जाता है तो मैं लेजर करा रही हूँ मैंने कभी नहीं बताया मतलब तो मेरे को खुद के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था बताने में बट ऐसा कोई टैबू या ऑकवर्डनेस होनी नहीं चाहिए तो मैं आपको इसलिए शेयर करना चाह रही थी तो ये मेरा फोर्थ सेशन था आज का एंड उसमें ना कुछ नहीं होता वो बस पहले आपका शेव कर देता है थोड़ा सा फिर जल लगाते हैं और वो टकटा टकटा लेजर डालते हैं वो मैंने आपके लिए नहीं फिल्म करा तो मैं आपको एक बार तसल्ली से बैठ के बताती हूँ एक बार ब्रुनो के पास जाती हूँ पता नहीं क्या ही खेल रहा है बाहर रहा है मेरा पिल्लो कैसे देती है मेरे पिल्लो की बैंड बजा रखी है इसकी तो वाटी लेके रहेगा ये पगलेट मैं नहीं दे रही यस गाइस एज आई वाज सेइंग तो मैं लेजर करा रही हूँ एंड मैं अब ठीक हूँ ओए इसमें पानी है जा अपने पानी पी किया वो पानी पी किया जा पानी पी किया बदतमीज हो गया गाइस ये तो हाँ तो मैं इधर 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 एक सेकेंड और रुको यार यस गाइस अब बोलती हूँ मैं उसको मैं छोड़ आई उस रूम में पागल हो गया था मम्मी पापा ऊपर गए हुए थे इसलिए इधर उधर भाग रहे तो आज ये गया नहीं पता नहीं क्यों हाँ तो मैं ये कह रही थी आई ऑप्टेड फॉर लेजर तो अब मेरे को कोई शर्म नहीं है देखो मेरे को पहले भी कोई शर्म नहीं थी बस वो है कि मैं ना एक बार तो एक्सपीरियंस खुद के लिए करना चाहती थी मैं पहले फुल देखना चाहती थी कि अच्छा क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है कि कैसे होता है कितना पेन होता है मतलब पेन टॉलरेंट है टैटू से टैटू जैसा ही दर्द होता है गाइस ऐसे दर्द टुक 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 टुक
ऐसा लगता है, तो जैसे टैटू में भी लगता है, तो पेन का इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि 6 सेशन है मेरा, ये 4th सेशन था, तो अब मेरे को थोड़ा सा आइडिया आता है कि अभी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, बट ये है कि अब ना प्रॉपर अब हर दिन हर महीने, या मैं हर महीने पहले भी नहीं कराती थी इतने, मेरे को ग्रोथ नहीं है, बट मेरे को क्लिनलीनेस के लिए कराना था, तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे को वैक्सिंग वगैरह करानी पड़ेगी बार बार, वो कराया। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट सेशन में अगर वो फिल्म भी कर पाऊँ लेज़र वाला पार्ट तो, बट डू लेट मी नो अगर आपको ऐसे फुल वीडियो चाहिए कि जिसमें प्राइस वगैरह मैं बताऊँ कहाँ से कराया ये सब वगैरह। तो यस दैट्स इट, घर आ गए हैं। मुझे भूख तो नहीं लगा, एक दो मोमोज खा रही था, भूख तो मेरे को नहीं लग रही, पानी के पास लग रहा है, पानी पीऊंगी। ब्रूनो मम्मी ऊपर है, उसको और लग रहा है बाहर हो। ब्रूनो मम्मी ऊपर है, ठीक है आप देखते गए, पानी वानी पीऊंगी मैं, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि ना मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है या तो मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं या ऐसे कुछ, अब अभी तो हो ही नहीं है, मतलब स्टार्ट हो सकते हैं, तो ऐसे कमर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। कल प्लान है कि हम बहादुरगढ़ जा रहे हैं मामा के घर पे, तो वहाँ पर जाएंगे, मज़े उड़ाएंगे, ब्रूनो भाई साहब को वहाँ हैप्पी से मिलवाएंगे, हैप्पी से आपको भी मिलवाएंगे। पता नहीं उसकी ब्रीड पमेरियन एंड मिक्स ब्रीड है, पमेरियन प्लस समथिंग है, मुझे वो नहीं पता। इसको शौक बहुत है, आज भी ये दूसरे डॉग से मिलता है, बट वो फिर हमें डर लगता है ये छोटा है ना, इसको कोई भी पकड़ के भगा जाएगा, खा जाएगा या काट जाएगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मीटिंग नहीं करा सकते अभी किसी से भी, थोड़ा हम दूरी रखते हैं। बट यस कल अपने वाला से तो मिलवा सकते हैं, घर का ही है वो भी। हर्ष तो गया हुआ है मूवी देखने एनिमल, मेरे को अब थोड़ी जलसी हो रही है क्योंकि सब देख रहे हैं। बट एक बात बताओ गाइस, अब साम बहादुर और एनिमल सेम वीकेंड पे भी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी देखूं, क्योंकि रिव्यू दोनों की बहुत अच्छे है एंड दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी है। नो डाउट साम बहादुर ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो मुझे उसकी स्टोरी नहीं, बट मुझे ये पता है कि वो समथिंग रिलेटेड टू अ ऑफिसर या इन ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। बट एनिमल भी अच्छी है, फादर सन बॉन्ड का कुछ सीन है, मेरे को नहीं पता, मैं देखूंगी दोनों, मेरा मन कर रहा है दोनों देखने का, देखते हैं। हर्ष तो देखा है, अब देखती हूँ किसी को पकड़ते। ब्रूनी ऊपर है मम्मी, अभी भी यही खड़ा है, देखो ये अभी भी यही खड़ा है, देखो मम्मी यहाँ से बोल रही ये ब्रूनो मम्मी ऊपर है, इधर 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 पागल हो गया मम्मी के, अरे ये री ब्रूनो ये री, अरे ये री ये री, आजा इधर आ, इधर आजा ऊपर जा, अब जा रहे ऊपर है ऊपर, ओह मुझे ही करना पड़ेगा, गया गया आ रहे आ रहे, अरे टिंडू वहां है मम्मी, वो रही वो देख वो देख, आ गया। इसमें डिनर के लिए चावल दाल लेके आई हूँ और मैं हर्ष की चॉकलेट टब आ लाई हूँ, ये लेके आया था सिल्क ओरियो, एंड मैं उसको नहीं पता, एंड मुझे नहीं पता ये मतलब व्लॉग ये वाला पार्ट देखेगा नहीं देखेगा, बट हमें क्या, हमें चॉकलेट मिलने से फ़ायदा है। तो मैं एक लाइन ले आई हूँ, अब एक लाइन से क्या है उसको कमी होने वाली है, उसकी पड़ी आधे से भी ज़्यादा, तो खा लेगा, लेट मी हिम एंजॉय, उसको शेयर नहीं करना, तो हम खुद ही शेयरिंग कर लेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट चोरी इज़ नॉट केयरिंग, मांगेगा तो दे दूंगी जस्ट किडिंग, मांगेगा तो नया दिला देंगे, किया जा रहा है कि फ़र्क पैदा गाइस, हम भी अपने लिए नया नहीं ले रहे, बट उसको नया दिला देंगे क्योंकि वो चपड़ चपड़ करेगा मेरे को, बट अब मेरे को पता है वो अगर देखेगा जिस टाइम मम्मी को मम्मी चॉकलेट खा ली, ऐसा हमारे में अभी भी चलता है क्योंकि हम अपनी अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव है एज एवरी ब्रदर एंड सिस्टर आर। बट यस मैं अपना डिनर करती हूँ, साथ में चॉकलेट इन्जॉय करेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, और मेरे को लगता है मेरे पीरियड आ गया क्योंकि आज अब कमर की वाट लग चुकी है, बट ठीक है अब आराम करना है। वैसे भी हर्ष आएगा, लेट आएगा 11:30, उसके लिए ऑब्वियसली गेट खोलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पूछूंगी उससे रिव्यू कैसा है बिना स्पॉयलर्स के साथ मुझे, क्योंकि वो मुझे छेड़ता है स्पॉयलर, पिछली बार भी वो KGF देख के आया था मेरे से पहले, मुझे आके बहुत कुछ बता रहा था, मैं ऐसे कान बन गया था, मैंने वो बोलता रहा, तो उसको बोलूँगी बिना स्पॉयलर के अलावा रिव्यू, ठीक है तब तक के लिए हम डिनर करते हैं, एन्जॉय हम भी इंजॉय। ब्रूनो गेट खोलते उठ गया कितनी क्यूट ली, अब अभी देख रहे कौन आ गया ये चल अब रिव्यू बता हर्ष मूवी का।
विदाउट गिविंग स्पॉइलर। पहली बात तो एनिमल 2 आएगी। अबे गधा है क्या, अभी बोल रही स्पॉइलर नहीं देना गवार। आगे बोल, मूवी कैसी थी? 3:30 एक बार बंद कर, पहले बंद कर, एक चीज बताऊंगा पहले बता। अरे बंद कर, एक बार कट कर। मैं बोलूंगी तो बोलेगा, छोड़ो बकवास बात ही। हाँ बोल, जल्दी बोल। क्या अच्छी थी मूवी, बस वो थोड़ा सेकंड हाफ में थोड़ा बोरिंग हो गया, वो लव स्टोरी आ जाती है ना। 3.5 घंटे मैं आधा घंटा वेस्ट था। क्यों? फिर 3 घंटे बढ़िया थी। आधा घंटा वेस्ट क्या था? अरे वही लव स्टोरी बता तो रहा हूँ। वैसे मैं जाऊँ देखने, ये कुछ है इतनी 9:30 बजे लास्ट। गाइस मूवी देख लो, अगर ये कह रहा ठीक है तो पता नहीं। हम तो सोच रहे मम्मी साम बहादुर, साम बहादुर देख ले, हम साम बहादुर देख ले, वो अच्छी है, वो इंडियन समथिंग समथिंग रिलेटेड। ओके पापा ठीक है, हम रेडी हो जाएंगे, मैं व्लॉग एडिट करूंगी। गाइस अभी मैं आज का व्लॉग यहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी। मम्मा आना एक बार इधर आ, इधर आओ। उधर रबर बैंड वो कैसे उठा था, उसकी मुंडी पता कैसे उठी थी, गेट खुलती ऐसे इसका तो टन बजता है एकदम से, रोनू का तो गेट खुलते ही पता नहीं क्या ही होगा, अलर्ट नहीं हुआ। गैस टिंकू बोलो कुछ नहीं। मैं कह रही हूँ मैंने लेजर का बता दिया, मैं थोड़ा ओपन हो गई है ना। मम्मा ने तो पहले ही कहा था बता दे, ऐसा प्रोसेस बताना चाहिए ना, क्लीनलीनेस के लग रहा है और अपना झंझट हटाने के लिए। बट यस गाइस छोड़ो, अब वो कल मिलेंगे, हम कल जल्दी जाना है, मम्मी ने बोल दिया 9:30, 9:30, 10:30 बस 10 लास्ट है। 10 से पहले ही कोशिश करो, 2 घंटे तो बैठे ना जाने के बाद। और ब्रूनो भी चलेगा तो मैं वो बता दिया। बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो दूसरे व्लॉग में मिलते हैं।